नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज की अवधारणा, वर्तमान स्थिति, चुनौतियां एवं संभावनाओं पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन रीवा के शासकीय विधि महाविद्यालय में आयोजित किया गया। दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री वर्तमान रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल खास तौर से मौजूद रहे। मुख्य वक्ता बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश के कुलपति डॉक्टर बोना पुरोहित रहीं एवं वक्ता के रूप में आचार्य ऋषि रंजन विश्वविद्यालय जमशेदपुर, डॉक्टर निर्मल कुमार पगारिया शासकीय विधि महाविद्यालय इंदौर, डॉक्टर हिमांशु पांडे नागपुर, डॉक्टर अजय श्रीवास्तव बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम शासकीय विधि महाविद्यालय लाडली लक्ष्मी पथ मार्ग में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में छात्रों ने भी उपस्थिति दर्ज कराई। आइए आपको सुनाते हैं वक्ताओं ने क्या कुछ कहा। भारत विश्व गुरु बनेगा, लोक कल्याण योजना जो है लोगों को कैसे मिलता? देखिए, हमारे देश में विकास की अपार संभावनाएं हैं। यदि संविधान के अनुरूप लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना और में सरकारों ने जिम्मेदारी से काम कर दिया तो कोई कारण नहीं है कि इतनी संसाधन होने के बाद हमारा देश किसी मामले में पीछे रहे। उसी से संबंधित जो संगोष्ठी आज विधि महाविद्यालय में आयोजित हुई है उसमें उन सभी पहलुओं पर बारीकी से चर्चा होगी कि इसका उद्देश्य, इसकी स्थापना के मार्ग में बाधाएं, चुनौतियां, वर्तमान स्थिति। तो मैं मानता हूं कि यह संगोष्ठी बहुत ही सार्थक है। बच्चों को शुरू में ही घुट्टी की तरह यदि इस प्रकार की चुनौतियां और संभावनाओं के बारे में जागृत कर दिया जाए तो जब ये आगे काम करेंगे तो उन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो देश आगे बढ़ सकता है। नया संविधान बनाने की भी आवश्यकता है क्या? संविधान तो हमारा अपने आप में ही इतना परिपक्व है, आवश्यकता अनुसार कभी कभी संशोधनों की जरूरत पड़ती है तो संशोधन होते हैं। राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई है, क्या मुख्य विषय है इसका? यह संगोष्ठी दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी है। इसका मुख्य विषय भारत के संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, उसकी चुनौतियाँ एवं आगामी जो भी हमारे सामने समस्याएं हैं उनके बारे में होगा। और इस विषय पे सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा होगी वो ये होगी कि भारत किस तरीके से एक लोक कल्याणकारी राज्य है और वो कैसे लोगों के कल्याण के लिए सुविधाएं प्रदान कर रहा है। संविधान क्या संशोधन करने की इसमें आवश्यकताएं हैं? नहीं, इसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। भारतीय संविधान का जो भाग चार है वो खुद ही राज्य के ऊपर नीति निर्देशक तत्व रखता है। इसका अर्थात है राज्य के लिए ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि वो कैसे भारत के जन सामान्य के लोक कल्याणकारी कार्य करता रहे। जैसे कि भारत के लोगों के लिए समान वेतन का काम करना है, समाज में सामाजिक समेकता बनाए रखने का कार्य है, पर्यावरण संरक्षण करना है। इस तरीके के बहुत से कार्य हैं जो हमारी सरकार के दायित्व के अंतर्गत संविधान में ऑलरेडी दिए गए। आयोजित की गई है, इसका क्या उद्देश्य था? देखिए, विंध्य प्रदेश में और जब से ये महाविद्यालय स्थापित हुआ तब से आज तक इस महाविद्यालय में कोई भी राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार इस तरह आयोजित नहीं हुआ। इसलिए हम सब लोगों ने, हमारे जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष ने, हम सब ने मिलकर तय किया कि विधि में इस तरह के नवाचार होते रहने चाहिए। इसलिए हम सब मिलकर एक ऐसे विषय पर जो भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र के लिए और जनता के लिए नितांत आवश्यक हो इस पर मिलकर एक संगोष्ठी करें। और आज वो स्वर्णिम क्षण आया जिसमें हम सब मिलकर उस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं और जिसका उद्घाटन सत्र अभी किन लोगों ने भाग लिया है संगोष्ठी में? संगोष्ठी में देखिए, हम राष्ट्रीय स्तर से लगभग 6 प्रदेशों से, विभिन्न अलग अलग प्रदेशों से लोगों को आमंत्रित किया है, वो आए हुए हैं।
वो विशेषज्ञ हैं विषय के और उनका व्याख्यान होगा। उनके अलावा लगभग 400 से अधिक प्रतिभागी इसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं, कुछ वर्चुअल माध्यम से, कुछ एक्चुअल माध्यम से, और वो अपने शोध पत्र का वाचन करेंगे, उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके बाद इस संगोष्ठी में जो मंथन के बाद निकल के आएगा वो हम आगे भेजेंगे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रविंद्र तिवारी, संयोजक राष्ट्रीय संगोष्ठी।